नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। चावल और आलू यहाँ बांट रहा है। किस लिए बांटा जा रहा है चावल आलू? बच्चों लोग के स्कूल में, बच्चों लोग के लिए। बच्चों लोग को आज से पहले जो मिड डे मील मिलता था उसके जगह पे चावल आलू दिया जा रहा है, उसी लिए यहाँ दिया जा रहा है। अच्छा, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। ममता बनर्जी के इस पहल से आप खुश हैं? बहुत खुश है, हर सुविधा है अभी। ठीक, धन्यवाद सर। आप ही लोग लाइन में जाइए, लाइन में जाइए, लाइन में जाओ, लाइन में जाओ। हाँ, लाइन में सब उल्टा वो हम नहीं जाना, फिर सीधा करो, उल्टा हो गया तो सीधा करो। चलो जाओ लाइन में जाओ। अरे भाई, तुम यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, लाइन में चलो, चलो चलो। नहीं, यहाँ लाइन नहीं है, उधर जाओ। हम लोग स्कूल आए, बच्चे लोग को यहाँ पे खाने का जगह में चावल और आलू दिया जा रहा है। कितना चावल, कितना आलू? 2 kg चावल है, 2 kg आलू है। अच्छा। और जो है अभी तो स्कूल बंद चल रहा है। किस लिए बंद है स्कूल मालूम है? ये आपका कोरोना वायरस जो है इसके लिए जो है बंद है स्कूल। बच्चों को घर से निकलने देते हैं आप? घर से बच्चों लोग निकलना मना है। अच्छा। और हम लोग निकलने नहीं देते हैं, हम लोग सब अभी घर के अंदर हैं, हम लोग अभी काम धंधा। सरकार के इस पहल से आप खुश हैं? बहुत खुश है। मेरी ममता दीदी ने ये जो है बच्चों लोग के लिए जो है चावल और आलू दिया जा रहा है खाने के लिए। धन्यवाद सर। विद्यालय किस लिए आए हैं? आए हैं ममता जी, हम लोग को चावल और आलू दे रही है। आपको दे रही है या आपके बच्चों को? बच्चों लोग के लिए भी। कितना चावल दे रही है? 2 kg चावल है, 2 kg आलू है। अच्छा, ममता बनर्जी को आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करते हैं, बच्चों लोग के लिए हमारे सेवा कर रहे हैं, हम लोग के लिए, इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। ठीक, अभी आप खाओ सब मार के, चावल दिया मैं कुर्बान, सब तो मानो सकला, सब दुखा सब चलिए भाई, हो गया आलू वाला। ये आलू से है ही नहीं, आलू दाओ मार। अरे बाबा, इतने में आलू प्याज कैसे दीजिए ना, बार बार आप उसको चीज कर रहे हैं। हो गया ना, दो तो है। दो डाल दीजिए, इसको दो तो दे, इसको दो तो टोकन ले रहा है। टोकन दे के यहाँ भेजिए, ये मेरा सीख दिया। चलिए आज आप किस लिए यहाँ पे आए हैं एनडी राष्ट्र विद्यालय में? हम आए हैं ये बच्चे का जो है मिड डे मील का, यहाँ पे चावल और आलू ये सब दिया। कितना चावल दिया जा रहा है? 2 kg चावल, 2 kg आलू। अच्छा। हाँ, तो विद्यालय में अभी आपके बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं? ना, अभी तो जो है छुट्टी है। किस लिए छुट्टी, किस लिए छुट्टी? आपको कोरोना वायरस के लिए छुट्टी दिया गया है। अच्छा, तो उसका मिड डे मील के लिए ये जो है आपको दिया जा रहा है, उसी को लेने के लिए आए हैं। तो ये बंगाल सरकार की जो ये नीति है इससे आप खुश हैं? हाँ, बंगाल सरकार की नीति से ये खुश है कि बच्चे घर पर भी हैं लेकिन उनको खाने के लिए दिया जा रहा है। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नूर आलम। में जो गार्जियन लोग को बुलाया गया है किस कारण से? राज्य सरकार के आदेशानुसार आज विद्यालय में कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को 2 kg आलू और 2 kg चावल उनको देने के लिए बुलाया गया है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं तो उन बच्चों को भी बुलाया गया था क्या? नहीं, बच्चों को नहीं बुलाया गया है, बच्चों के अभिभावक को बुलाया गया है। अच्छा, राज्य सरकार के इस पहल से आप खुश हैं? राज्य सरकार के पहल से तो हमारी खुशी तो है ही कि गरीबों को जो है उनका अपना जो है कम से कम आपातकाल में उनको 2 kg चावल और 2 kg आलू मिल जा रहा है,
अच्छी बात है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं सब बीपीएल कैटेगरी के, इसलिए उनको इसका तो महत्व बहुत ज़्यादा है। अमीरों के लिए भले ना हो, लेकिन इन बच्चों के लिए तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी इस आपातकालीन में बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस आपातकाल में बच्चों को हमारा एकमात्र मैसेज है कि वह खेलने कूदने घूमने फिरने इधर उधर कहीं ना जाए, घर में अपने को आइसोलेट करके अपनी पढ़ाई लिखाई पर खूब ध्यान दें। धन्यवाद सर। राष्ट्र विद्यालय में आने का आपका कोई मुख्य कारण? सर, मुख्य कारण है हम यहाँ का पार्षद है और ये जो प्राइमरी सेक्शन है ये हमारा बिलोंग्स करता है हमारा, इसीलिए यहाँ पर ठीक से चावल जो आलू मार्केट में मिल नहीं रहा है उसको कलेक्शन करके ले आके देने पड़ रहा है। अच्छा सर, तो मिड डे मील के जगह में ये चावल और आलू दिया जा रहा है? ये क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर है? अच्छा सर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बच्चा लोग घर से नहीं निकलेगा, 5 बजे से ब्लैकआउट हो जाएगा। अच्छा सर, तो यहाँ के जो आपके निवासी जो रहते हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वायरस से बचने के लिए? सब बचो, सब बचो, हम लोग है, हम लोग मरेगा की नहीं है जानते नहीं, सब बचो, सब घर में रहो, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो प्रशासनिक जो सिस्टम है उसको फॉलोअप करो, सब रहो, बचेगा तो जिंदगी सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं रहेगा, सब अंदर रहो। धन्यवाद सर, थैंक यू।